सीता, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं हम लोग, कम से कम ऐसे मुंह फुला के तो मत चलो, क्या कहेंगे लोग? लोगों की पड़ी है आपको, मेरी नहीं। कभी मेरी भी सुन लिया कीजिए। अगर इस बार काम नहीं बना तो तुम जो कहोगी वो मैं सुनूंगा। मैं हमारे भले के लिए तो कर रहा हूँ ना। मुझे यकीन है कि हमारी परेशानी साईं के पास ही हल होगी। हमारी परेशानी आपकी बेरोजगारी है, पैसों की तंगी है। यहाँ आने से हमारी परेशानी कैसे हल होगी? जब बंबई में आपको कोई काम नहीं मिला तो यहाँ आने से मिलेगा क्या? पिछले 2 साल से काम की तलाश में न जाने आपने कितने मंदिरों में, कितने संतों के यहाँ जाके माथा टेका, कहीं से कोई फायदा हुआ नहीं ना? तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि शिरडी के इस फकीर के पास जाने से आपकी बिगड़ी सवर जाएगी? आप जो कर रहे हैं वो समय और पैसों की बर्बादी है। पहले ही बहुत मुश्किलों से गुजारा चल रहा है और अब तो जमा पूंजी भी खत्म होने को है, फिर यहाँ शिरडी आने का खर्चा क्यों? मन की तसल्ली के लिए। सीता, कम से कम मेरा मान रखने के लिए तुम बस ये एक और काम कर लो। आखिरी बार समझकर साईं से मिल लो। इसके बाद मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं फिर कहीं और किसी और के पास नहीं जाऊंगा। वैसे भी मुझे यकीन है कि साईं मेरी मदद जरूर करेंगे। चलो। प्रणाम साईं। राम जी भला कर। मैं रामचंद्र और ये मेरी पत्नी सीता। मैं बंबई के कपड़े के कारखाने में प्रबंधक था। 2 साल पहले मेरा काम चला गया और तब से अपने योग्य काम ढूंढने में मैं असफल रहा हूँ। मेरी थोड़ी उम्र भी हो गई है इसलिए काम मिलना उतना आसान भी नहीं रहा। हर जगह सिर्फ नाकामयाबी ही मिल रही है। हम बड़ी परेशानी में हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मेरे दोस्त भी आपको बहुत मानते हैं और मैं भी। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कीजिए साईं। भीवा, जी साईं। ये लोग बड़ी दूर से आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी, इनके लिए भोजन लाओ। इन्हें तुरंत वापस भी जाना है। जी सर। साईं, मुझे भोजन से ज्यादा काम की जरूरत है, कोई उपाय बताइए। रामचंद्र, मैं तो ठहरा फकीर, अगर मेरा कपड़े का कारखाना होता तो आपको जरूर काम दे देता। आप यहां आए मुझे अच्छा लगा, अब आप तुरंत लौट जाइए। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। हो गई मन की तसल्ली, पड़ गई कलेजे को ठंडक बचे कुछ पैसे बर्बाद करके। बड़ा यकीन था कि साईं जरूर कुछ मदद करेंगे। एक वक्त का खाना खिलाकर लौटा दिया आपके साईं बाबा ने। पता है उनसे मदद पाने के चक्कर में हमने कितने पैसे बर्बाद कर दिए, जितने का 2 हफ्तों का अनाज आ जाता। अरे मदद तो दूर की बात, सीधे मुंह बात तक नहीं की और इतनी बदतमीजी से तुरंत लौटने को कह दिया। जो मन में आए वो तुम कहो सीता, कहने के लिए तुम स्वतंत्र हो, पर मुझे अब भी भरोसा है अपने साईं पर। वो जो भी करते हैं किसी कारण से ही करते हैं। हो सकता है अभी हमारी परीक्षा खत्म ना हुई हो। रुको,
आगे मत जा, गरम है। क्या हो गया तुमको, चल क्यों नहीं रहे? अब क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। चलो चलो। काफी देर से भटक रहे हो खाने के लिए, थक गए होगे। अब मंजिल तक पहुंचने का वक्त आ गया है। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। क्या हो गया तुमको, चल क्यों नहीं रे? चलो रे, चलो चलो। शायद ये थोड़ा थक गए हैं। आप एक काम कीजिए, पास की धर्मशाला में आराम कर लीजिए। लो, एक और खर्चा। आप तो कह रहे थे कि आपके साईं से मिलके सबकी मुसीबतें हल हो जाती हैं, लेकिन हमारी मुसीबतें तो और बढ़ती जा रही हैं। सच कहूं सीता, मेरा मन नहीं मान रहा। हो सकता है कि तुम्हारी हर बात शायद सही हो, लेकिन मैं अपने इस मन को कैसे समझाऊं, जो कहता है कि साईं पर श्रद्धा रखूं और सबूरी से काम लूं। चलो कुछ देर धर्मशाला में आराम करते हैं। सारा लेन देन और हिसाब किताब अटका पड़ा है साहब। अगर कल तक कोई प्रबंधक नहीं मिला तो बड़ा नुकसान हो जाएगा साहब। चिंता मत कर, आज शाम से पहले हमें नया प्रबंधक मिल जाएगा। चल सुनिए, क्या आपको प्रबंधक की तलाश है? जी हाँ। प्रबंधक किस काम के लिए चाहिए आपको? बंबई में कपड़े का एक कारखाना है मेरा, उसी के लिए। असल में मेरा प्रबंधक कुछ हफ्तों पहले काम छोड़कर चला गया। अगर आप मौका दें तो इस पद के लिए मैं योग्य हूँ, मुझे इस क्षेत्र का अनुभव भी है। आप? जी मैंने बतौर प्रबंधक कार्य किया है बंबई के एक कपड़े के कारखाने में। 2 साल पहले मेरा काम छूट गया था, तब से दूसरे काम की तलाश में हूँ। बहुत सालों का तजुर्बा है मेरा। आप कपड़े के कारखाने में ही प्रबंधक थे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जिसकी तलाश मुझे थी वो मुझे ऐसे मिलेगा। खैर, आप चाहे तो ये काम आपका है, लेकिन एक शर्त है मेरी। आपको कल से ही ये काम शुरू करना पड़ेगा। जी मंजूर है। देखा सीता, साई के पास आते ही सब ठीक हो गया। फिर साई, आप कब समझेंगे? आपकी मदद साई ने नहीं की, उन्होंने तो हमें वापस भेज दिया था, लौटा दिया था। ये जो काम मिला है संयोग से मिला है। नहीं नहीं बहनी, ये सब साई की ही लीला है। मैं खुद साई का बहुत बड़ा भक्त हूँ। कई हफ्तों से अपने कारखाने के लिए मैं एक अच्छा प्रबंधक ढूंढ रहा था, मगर कोई मिल ही नहीं रहा था। शिरडी आना हुआ तो साई के दर्शन करने के लिए गए तो उनके सामने ये बात रख दी। तो फिर उन्होंने कहा,
यहां से 6 मील दूर एक धर्मशाला है, वहां जाओ। कल शाम तक तुम्हें एक ईमानदार, होनहार और अनुभवी प्रबंधक मिल जाएगा। इसलिए मैं यहां आ गया कल ही। और देखिए, जैसा साई ने कहा था सब वैसा ही हो रहा है। अगले दिन होते होते आप मुझसे मिले और साई की कृपा से हम दोनों की परेशानी दूर हो गई। साई, मुझे यकीन था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। आपने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए कि मैं किसी तरह यहां पहुंच जाऊं सही समय पर। देखा सीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साई ने हमारे यहां आने से पहले ही हमारी मुश्किलों का हल निकाल दिया था और मैं उनको गलत समझती रही। साई, मुझे माफ कर दीजिए। साई, मुझे माफ कर दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। राम जी भला करे, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। ये क्या है? कल मेरे कारखाने का उद्घाटन है, उसी का न्योता देने आया हूं। मैं कुछ समझी नहीं। आपने कहा कि आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, फिर बच्चों का इस कारखाने से क्या लेना देना? लेना देना है बेटी, क्योंकि मेरा कारखाना ही बच्चों का भविष्य रोशन करेगा। उस कारखाने में बच्चे ही काम करेंगे। बच्चे? मतलब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं? अगर वो पढ़ाई छोड़कर काम करेंगे तो फिर उनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा? और इन सबसे बड़ी बात, क्या कोई उम्र है उनके काम करने की? मैं वही कर रहा हूं जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है। बचपन में ही गांव से पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया। जब बाहर गया तो वहां की दुनिया ही एकदम अलग। खर्चे ज्यादा, साधन कम, संसाधनों की कमी के चलते मैंने पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने के लिए काम भी किया, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई के साथ साथ काम के महत्व को भी समझने का अवसर मिला। ये तजुर्बा बचपन में ही हासिल हो गया ना, और उस अनुभव ने मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया जहां आज मैं हूं। आप सोचिए, कितने सालों से यहाँ पाठशाला है और कितने सारे लोगों ने इस पाठशाला से पढ़ाई की, और जितने लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की क्या वो सब अमीर बने? जिन लोगों ने इस पाठशाला से पढ़ाई की वो अपने बलबूते पे कामयाबी हासिल कर पाए? नहीं, ऐसा तो कोई भी इंसान मुझे याद नहीं आ रहा है।
मैंने सुना है कि आप शिरडी के सबसे मेहनतकश इंसान हैं और आपने अपनी मेहनत के बल पर काफी कुछ हासिल किया। आप बताइए, आपने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की है? जी, 5वीं तक। यही तो मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, मैं पढ़ाई से मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन अगर पढ़ाई के साथ साथ आपका बच्चा एक पहर के लिए कारखाने में काम कर लेगा तो उसके विकास की गति बढ़ जाएगी। हाँ, आपको या आपके बच्चे को कारखाने में कोई दिक्कत हो तो अगले दिन से मत भेजना, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, सब आपकी मर्जी से होगा। नई तकनीकी, नई दुनिया से आपकी बेटी का परिचय होगा, नया ज्ञान मिलेगा। आप अपनी बेटी को जिस मुकाम पे देखना चाहती है ना, आपकी बेटी उससे ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाएगी। आप जानते हैं मैं बच्चों को कितना प्यार करता हूं, मैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और दूसरी बात, आप इस काम को धनोत्पार्जन की दृष्टि से मत देखिए, बल्कि इस दृष्टि से देखिए कि बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा, व्यावहारिक शिक्षा मिलेगी और कारखाने में काम करने के साथ साथ इनको कुछ भुगतान भी किया जाएगा। मुझे जहां तक लगता है, ये विचार, ये योजना बच्चों के हित में नहीं है, ये उम्र लतिका के काम करने की नहीं है। तुम माँ के नजरिए से देख रहे हो जिबरी, जरा उस दृष्टिकोण से देखो कि बचपन में ही हम बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। तुम भी तो बचपन में उपले बेचती थी और उन दिनों जो तुमने अनुभव प्राप्त किया वो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ऐसा तुमने कई बार कहा है। और मुझे ही ले लो, मैंने बचपन में खुद से उठ के कभी पानी तक नहीं पिया, जिसका परिणाम तुमने देखा, चैन और सुकून की जिंदगी ने मुझे निकम्मा बना दिया था। इसीलिए मेरे विचार से हमें लतिका को भेजना चाहिए ताकि वो भी तुम्हारी तरह काबिल बन सके। तो बेटी, क्या निर्णय है तुम्हारा? मैं अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार हूं। हम रागिनी को भेजेंगे। ठीक है, मैं अपने बेटे को भेजने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लतिका आएगी। के दिल बुरे नहीं है, ये वाकई में सोचते हैं कि ये इनके बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। इन्हें सही मार्ग दिखाने में मदद करना राम जी। आपको पता है साई, कल से हम लोग कारखाने में काम करने जाएंगे। शोर नहीं, ये डर जाएगी। ताई, ये बिल्ली का बच्चा आपको कहां से मिला? रास्ते पे, बिल्कुल अकेली थी। लगता है अपने परिवार से बिछड़ गई है, खुद के लिए खाना ढूंढ रही थी। बता, ये कोई उम्र है इसकी खुद के लिए खाना तलाशने की?
ये तो अभी छोटी है, इसकी उम्र तो खेलने कूदने की है, बहुत सारी चीजें सीखने की है। क्या ऐसी उम्र में इसका इतनी कठिनाई झेलना सही है? आप सही कह रहे हैं साईं, बेचारी बच्चे ही तो है अभी। लेकिन साईं, आपने हमारी बात तो सुनी ही नहीं। आपको पता है हमें कारखाने जाने के पैसे मिलेंगे, हम सबके पास अपने पैसे होंगे, हम बहुत उत्साहित हैं साईं। हाँ साईं, हम सब बहुत उत्साहित हैं। लक्ष्मी कभी अकेली नहीं आती बच्चों, वो अपने साथ कई चुनौतियां लेके आती है। अगर तुम सब अपनी मेहनत का पैसा कमाने जा रहे हो तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जो इन चुनौतियों को पार कर गया वो तर गया, जो नहीं कर पाया वो डूब गया। हम नहीं समझे साईं। वयस्क होकर तुम्हारे माँ बाप नहीं समझ पाए तो तुम कैसे समझोगे बच्चों? सखू, आज कोजागिरी पूर्णिमा है। हर साल आज शाम में बगल के गांव में एक पंडित जी है, उनके पास मैं परिवार के सुख शांति के लिए हवन कराने जाती हूँ। तुम आओगी? हाँ आई, मैं जरूर आऊंगी, मैं तैयार होके आती हूँ। ठीक है। बेटी, मैं हूं ना साथ तेरे, कुछ नहीं होगा। और देख, हम पहुंच ही गए। आजा। ये रही वो जगह। आई, वो पंडित जी इतनी सुनसान जगह पर रहते हैं। हाँ बेटी, ये ज्ञानी लोग एकांत में रहना बहुत पसंद करते हैं। तुमने तो पढ़ा ही होगा ना हिमालय साधु संघ के बारे में, ये बहुत बड़े पंडित हैं। चल मेरे साथ चल। लो, मैं फूल लाना ही भूल गई। एक काम करती हूँ, इस झोपड़ी के पीछे एक बाग है, वहाँ पे कुछ फूल रहेंगे, मैं वो तोड़ के लेके आती हूँ। ठीक है? नहीं आई, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, अकेले में मुझे बहुत डर लगेगा। बेटी तुम झोपड़ी में जाओ, पंडित जी से मिलो, उनको प्रणाम करो, उनसे बातें करो, तब तक मैं आती हूँ। जा बेटी जा। जाओ। मैं देखती हूँ तुझे यहाँ से कौन निकालता है। नहीं, आई, 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 दरवाजा खोलिए, आई, 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 दरवाजा खोलो, आई, दरवाजा खोलिए, आई, दरवाजा खोलिए, आई, आई, तेरी आई ना मर चुकी है, अब ये दरवाजा ना भगवान भी नहीं खोलेगा। आई, दरवाजा खोलो, आई, 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 आई
भाईजामा, मेरा एक काम करोगे? इसमें पानी की दो दो बूंद तब तक डालती रहना जब तक अंदर के बीज में से अंकुर नहीं फूट जाते। मुझे भिक्षाटन के लिए जाना है। भिक्षाटन के लिए इस वक्त? हाँ भाईजामा, ये भिक्षा मुझे इस वक्त ही मिल पाएगी। अकेलापन मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे अभी इसी समय से खत्म करना होगा। मुझे माफ करना साई, मुझे पता है आपने मुझे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ताला खुल गया है सखू, लेकिन इस कमरे से बाहर आने तक का सफर तुम्हें खुद तय करना होगा। बाहर अंधेरा है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें बाहर आने की हिम्मत है, बस जरूरत है तो तुम्हें खुद में वो हिम्मत ढूंढने की। क्या सच में साई बाहर है या मैं फिर से कोई कल्पना कर रही हूं? मैं यही हूं सखू, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो और बाहर आओ। घाव घने सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, भोर अगन में सोना तपके निखरे घना सुहाए, दुख की आंधी मुस्का के जो तू हरी गुण गा, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय, धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम, हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। पत्थर में से अंकुर निकला है।
ये चमत्कार तुम ही कर सकते हो साईं। साईं, मेरे पास भिक्षा तो है ही नहीं आपको देने के लिए। जानती हो सखो, डर के बीच से एक नई जिंदगी जन्म लेती है। बस उसके लिए उस डर को पिघलाना जरूरी होता है। तुम भी वही करो, तुम्हारे डर का दूर होना ही मेरी भिक्षा होगी। राम जी भला करें। रसद जी ने बड़ा ही अच्छा काम किया है हम सब के लिए। अब हमें पता है कि हमारे बच्चों का भविष्य हमसे बेहतर होगा। रुक जा, वो देखो। साईं, आप इस पांगुलगड़ा के साथ यहां क्या कर रहे हैं? भीमा का इंतजार। राम साईं। राम जी भला करें। साईं, आपने मुझे बुलाया? हाँ। भीमा, आज तुम काम पर जाने वाले हो ना? जी साईं। तो ये लो, इस पर बैठ कर जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। साईं, इस पर? ये तो बच्चों का खिलौना है, मैं कैसे बैठ सकता हूं? हाँ सही, ये तो बच्चों की हाथगाड़ी है, ये बीमा का बोझ नहीं उठा पाएगी। और अगर मैं इस पर चढ़ा तो ये तो एक ही झटके में टूट जाएगा। कैसे? साई, ये बच्चों के लिए बनी हुई है, बहुत छोटी और नाजुक है, ये इतना भार नहीं सह पाएगी। और आपने ये भीमा को इस पर बैठने के लिए क्यों कह रहे हैं? यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसका मतलब समझो, नहीं तो गति बढ़ेगी नहीं, सफर रुक जाएगा। आओ बच्चों, आओ आओ आओ, ये रहा हमारा कारखाना। ये क्या है? ये मिष्टी गोली है, यही तो हम यहाँ बनाते हैं। हाँ, ये लो। बोलो, मुँह खोलो। कैसी लगी? अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। खाओ खाओ खाओ, आप तो भी खाओ। बच्चों, अभी कोई शैतानी नहीं करेगा। नहीं पंडित जी, खा लेने दीजिए,
अरे भाई ये कारखाना बच्चों का ही तो है, यहाँ के वातावरण में इनका घुलना मिलना आवश्यक है। जितनी जल्दी इस जगह को ये अपना लेंगे उतना अच्छा। जी भर के खा लेने दीजिए, उसके बाद मिष्टी गोली बनाने की प्रक्रिया मैं बताता हूँ। जब हमारा मन अच्छा हो ना तो पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है, जैसे ये सुबह रोज होती है, पर आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, क्योंकि आज फिर से मेरे घर परिवार से वो सखू नाम का कांटा निकल गया है। घर जाके उस मनहूस की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। क्या हुआ होगा कल रात को उस डरपोक सखू का उस अंधेरी सुनसान झोपड़ी में? मुझे क्या, मैंने कौन सा उसके साथ बहुत बुरा किया है? वैसे भी वो वहां मरने थोड़ी वाली है, सवेरा होते ही दरवाजा तोड़ के भाग गई होगी। जो भी हो, मैंने उसे इतना तो डरा ही दिया है कि वो शिरडी तो लौट के नहीं आएगी, और उसका जो भी हो मेरी बला से। जनमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस इस घर में आने की? हाँ तू ऐसे नहीं बोलेगी, तेरी अकल तो अब मैं ठिकाने लगाती हूं। नहीं आई अब, और नहीं, अब आपकी डांट और मार से डर नहीं लगता मुझे, और आइंदा हाथ नहीं लगाएंगी आप मुझे। तू वापस कैसे आई यहां? मुझे तो लगा था कि डर के मारे शाम दे ही। अगर सखू के मन में मेरा डर खत्म हो गया है, वो मुझसे डरती नहीं है, फिर तो मेरी इस घर में और नहीं चलेगी। उसे रोकना ही होगा मुझे, उसे उसकी जगह दिखानी होगी। ए रुक, ये क्या कर रही है तू? तुझे कितनी बार कहा है कि उस फकीर को इस घर से भिक्षा नहीं मिलेगी? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। मेरा है, इस अनाज का एक एक दाना मेरा है, तेरा इस पे कोई हक नहीं है।
शुक्रिया साई, आपकी कृपा से मेरे अंदर का सारा डर निकल गया। आज के बाद आपको कभी यहां से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। राम जी भला करे। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आई, आपका हाथ जल गया है, आप अंदर चलिए, मैं मलहम लगा देती हूँ। मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, मुझे आई मत कह। बचपन से मैंने आपको आई ही कहा है और मानना भी चाहती थी। अगर आपको इससे इनकार है तो आप ही बता दीजिए मैं आपको क्या कहूँ। ये सब तेरी चाल है और तू मुझे हरा नहीं सकती। तेरा जो इनाया रूप है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। नहीं माई, अच्छी नियत से किए हुए दान का परिणाम कभी बुरा नहीं होता है। और हाँ, आप पूछ रही थी ना कि सखू के डर का क्या हुआ। माई, राम जी हर चीज का हिसाब रखते हैं। जो जहां से आता है वही लौट जाता है। सखू का डर भी उसके स्रोतों के पास चला गया है। यही विधि का विधान है। इसे ना तो आप बदल सकती हैं, ना ही मैं। बस उस डर का रूप बदल जाएगा। किसी के पास वो पश्चाताप बनकर जाएगा तो किसी के पास अनुभूति। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना है मुझे, बहुत सुन चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ ये दुनिया छोड़कर, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। आपको मेरी मौत का मोल चुकाना होगा। श्रीपति, श्रीपति, क्या क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ, ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी? वो मर गई आई, कह रही थी सब मेरी वजह से हुआ, वो मुझे नहीं छोड़ेगी आई। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? कौन नहीं छोड़ेगी, कौन मर गई? सक्कू। सक्कू? श्रीपति बेटा, बेटा तू शांत हो जा। देख, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा इसलिए तू डर गया है। हाँ, मैं पानी देती हूँ तुझे, रुक। मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, मैं आपको लेने आई हूँ। नहीं, नहीं। क्यों नहीं? आपके कारण मैं इस दुनिया से चली गई, आपके कारण। इसीलिए आपको भी नहीं छोड़ूंगी। आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको मेरी मौत का मोल चुकाना होगा। आई, आई, आई। श्रीपति,
पति क्या हो गया बेटा? आई वहां दरवाजे पे वो खड़ी आई, मुझे अपने साथ लेके जाना चाहती है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। आई बेटा दरवाजे पे कोई नहीं है, देखो कोई नहीं है वहां पे। क्यों झूठ बोल रहे हो आई, वो खड़ी तो है वहां पे। मुझे नहीं पता वो मर गई, कह रही है मेरी वजह से, मुझे नहीं छोड़ेगी आई, मुझे लेके जाएगी। मुझे बचा लो आई, मुझे बचा लो आई। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। राम जी हमें बार बार संकेत देते हैं अपनी गलतियों को सुधारने का, लेकिन जो लोग फिर भी नहीं सीखते उन्हें सिखाने के लिए राम जी को सख्ती बरतनी पड़ती है। लेकिन उस सख्ती में भी राम जी का प्यार ही छुपा होता है, क्योंकि वो सख्ती हमें हमारे उद्धार की तरफ ले जाती है। तरह से ये मीठी गोलियां बनती हैं। ये सब तो सच में बहुत आकर्षक और लुभावना है ना? हाँ। ये सब तो हम समझ गए, लेकिन क्या इतने छोटे बच्चों से इतना काम करवाना क्या सही होगा? ना 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 ना। अरे इन बच्चों से थोड़ी ये काम कराएंगे भाई, काम करने के लिए तो हमारे श्रमिक पहले से काम कर रहे हैं वहां। इन बच्चों को तो कुछ और करना है। ये देखो, ये मिष्टी गोली इधर से लपेटा, इधर से लपेटा, और उसके बाद इसका कान ये ऐसे मरोड़ा। ये तैयार हो गई मिष्टी गोली। बच्चों को इसी तरह मीठी गोली को लपेट के रखना होगा बस। बच्चों जैसा मैंने अभी करके दिखाया वैसे तुम लोग भी कोशिश क्यों नहीं करते? और हाँ, काम करते करते आपका मन करे कि मैं भी मीठी गोली खा लूं तो बेझिझक खा लेना, ठीक है? तो लग जाओ बच्चों काम पे, आओ 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 आओ। ये रहा इधर के लिए कागज, आप लपेटो। हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये एक बार मोड़ा, दूसरी बार मोड़ा, फिर दोनों तरफ से कान मरोड़ा। प्रसाद जी, इन गोलियों को कागज में बांधने से बच्चों का विकास कैसे होगा? बहुत सही सवाल किया है आपने।
आपको बता दूं, मीठी गोली लपेटने के दौरान बच्चे ये भी सीखेंगे कि कारखाने में बड़े लोग कैसे काम करते हैं। जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, वैसे वैसे हम इनको व्यवसाय की बारीकियों के बारे में बताएंगे और धीरे धीरे थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां भी सौंपेंगे। काम करते करते बच्चे इतने परिपक्व हो जाएंगे कि बड़े होकर अपना कोई कारखाना या दूसरा व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसके लिए पर्याप्त जानकारी और अनुभव इन बच्चों के पास होगा। पूरी दुनियादारी सिखाएंगे हम यहाँ इन बच्चों को। मैं खुद क्योंकि शिरडी से हूँ इसलिए यहाँ के लोगों की मजबूरी समझता हूँ। मेरे बाबा की तरह आप में से अधिकांश माता पिता के पास अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं होंगे। मेरे यहाँ काम करके बच्चों को वो अनुभव मिलेगा, वो आत्मविश्वास मिलेगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी आपके बच्चे हासिल नहीं कर पाएंगे। और सबसे अहम, सीखने के साथ साथ उनको मेहनत के बदले पैसे भी मिलेंगे। इन्हें यहां रहने दीजिए, हम अंदर चलकर बाकी की बातें कर लेते हैं। आई माणिक, पैसों से मतलब नहीं है मुझे। बच्चों को उज्जवल भविष्य मिल पाएगा इस बात की खुशी है। हमारे बस में कहां उन्हें इतना सब कुछ दे पाना। हफ्ते में 8 आने और मिल जाएंगे, सरकार का कर्जा चुक जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चों से पैसे लेना मुझे पर मजबूरी है देवकी। अगर पैसे नहीं चुकाएंगे तो तुम्हारे साथ और मेरे साथ बच्चे भी रास्ते पर आ जाएंगे, भूखे मरेंगे। उससे बेहतर है कि काम करके हम अपना भविष्य बनाएं और घर भी बचाएं। साई, यहाँ आने की कोई खास वजह? वो देखो केशव, ये रहा अनुबंध पत्र, इसमें हर बच्चे के माता पिता का अंगूठा लगेगा। अंगूठा? वो भालू पकड़ने का जाल है। शहद की खुशबू से आकर्षित होकर भालू यहां तक आता है और इसमें फंस जाता है, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। ये तो बर्बरता है साईं। पशु हैं तो क्या हुआ, उन्हें भी जीने का हक है। लोग उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ये भालू को समझ क्यों नहीं? ये जाल है उसे फंसाने का। लालच और मजबूरी अक्सर सबको अंधा कर देती है। पैसे के लालच में शिकारियों को कुछ नहीं दिखता और भूख के आगे भालू मजबूर हो जाता है तो उसे सिर्फ खाना दिखता है, जाल नहीं। ये अनुबंध आपके बच्चे के हित में है। आपके बच्चे हमारे लिए काम करेंगे, उनका मेहनताना क्या होगा, कितने घंटे काम करेंगे, वो सब लिखा है इसमें। मैं अपने कारोबार में पूरी पारदर्शिता रखता हूं, इसलिए हर काम लिखित में करता हूं। आपके पास हमारे नियम और शर्तों का लिखित प्रमाण होगा जो हमारी आपसी सहमति से होगा। दोनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। यदि हम में से कोई भी पक्ष
नियम तोड़ता है या उन शर्तों का उल्लंघन करता है तो वही उसका जवाबदेह होगा। क्या? साथ ही साथ ये मेरी भी मदद करेगा, क्योंकि मेरे साथ इस फैक्ट्री में बंबई से भी कई लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी तो उन्हें कुछ साक्ष्य दिखाना होगा कि मेरे यहाँ कितने बच्चे काम कर रहे हैं, हैं? और एक बात, यदि कोई बच्चा काम छोड़ेगा तो उसे बदले में छोटा सा जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन आपने तो कहा था कि बच्चा जब चाहे तब अपना काम छोड़ सकता है। कहा था पंडित जी, मैं अभी भी उस शर्त पर कायम हूं। तो ये जुर्माना क्या है? औपचारिकता है पंडित जी। अगर कुछ दिन काम करके बच्चे जाना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, पर जो बच्चे काम पे रहेंगे उनको काम सिखाने में पढ़ाने में हमारा धन और संसाधन दोनों खर्च होंगे, ताकि बड़े होकर वो इतने काबिल हो जाएं कि कहीं भी काम मांगने जाएं तो कोई उन्हें मना ना कर सके। बंबई और पुणे में ऐसे होनहार लोगों को कारखाने में काम करने में मुंह मांगी कीमत दी जाती है। अरे बरसों की मेहनत के बाद जब कोई पेड़ फल देने लगे तो उनमें से कुछ फलों पर हमारा भी तो अधिकार होना चाहिए ना। वैसे पेड़ तो आपका ही है, तो फल भी आपके ही होंगे। मुझे तो बस थोड़ा सा आश्वासन चाहिए कि मेरे कारखाने से काम सीखने के बाद, हुनरमंद होने के बाद, ये बच्चे यहां से काम छोड़कर नहीं जाएंगे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए जुर्माने वाली बात अनुबंध पत्र में लिखी हुई है। आप लोग पूर्ण आश्वस्त रहें, शुरू में ही यदि कुछ बच्चे काम से खुश नहीं हैं, तो वो जा सकते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बच्चों पर पढ़ाने में सिखाने में मेरा ज्यादा धन और संसाधन खर्च नहीं हुआ होगा। बात तो सही, काम में अपना हित सुरक्षित करना पड़ता है। मैं भी जब कोई नया काम लेता हूं तो काम देने वाले से अग्रिम राशि जरूर लेता हूं, ताकि कल को अगर उसका मन बदल जाए या फिर काम बंद हो जाए तो मेरा ज्यादा नुकसान ना हो, और अगर हो भी तो कम से कम। सही बात, बस यही बात इस अनुबंध पत्र में लिखी हुई है। तो ठीक है प्रसाद जी, कल से मेरा मार्टन भी काम पे आ जाएगा। अच्छा किया साईं आपने इसे तोड़ दिया, अब भालू बच जाएगा। इससे एक जीव बच जाएगा केशव, लेकिन दुनिया में कई शिकारी और भी हैं, और कई शिकार भी।
फंस गए सब मेरे जाल में। मालिक सबको लालच को समझकर उसे त्यागने की सद्बुद्धि दे। मैं चली गई, आपको भी चलना होगा। नहीं, 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 नहीं। श्रीपति, बहुत दुख रहा है, पता नहीं कैसे खाना बनाऊंगी। आपके हाथ में दर्द है ना, इसलिए सारा खाना मैंने बना दिया। सब समझती हूँ तेरा नाटक, मदद करने के नाम से मेरे रसोई पे हक जमाना ही है। श्रीपति भाई चलो जल्दी, खेत के लिए देरी हो रही है। आ गया आ गया। चलिए मैं आपको लेने आई हूँ। नहीं, नहीं। श्रीपति मुझे मत छोड़ो, वो मुझे ले जाएगी, मुझे ले जाएगी। श्रीपति क्या हो गया तुझे? श्रीपति मुझे बचा लो। श्रीपति ये क्या हो गया तुम्हें, ये क्या हरकत कर रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लेके चली जाएगी। मैं आपको लेने आई हूँ, चलिए मेरे साथ। नहीं! नहीं मैं नहीं जाऊंगा। चलिए मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं। मैं लेने आई हूँ आपको। मैं नहीं जाऊंगा। आई। काकी, ये क्या हो गया इसे? ये तो मंदबुद्धि की तरह बर्ताव कर रहा है। मेरा बेटा मंदबुद्धि नहीं है। मेरा बेटा मंदबुद्धि नहीं है। हाय। Thank you.